वो आज अटल जी का जन्मदिन है, तो हम चाह रहे थे कि एक इंटरव्यू छाप देते, आपका भी प्रकाशित कर देते अपने यहाँ। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज के डेट में अटल जी की दिनचर्या क्या है और देशवासियों को आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। और यार देखो, अभी तो मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है दो बताना। मिनट बस, 2 मिनट का हमको दे दीजिए, हम उसको छाप दे, बस चला दे हम उन्हें। अब भाई संदेश का जहां तक सवाल है, अटल जी 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 का तो हरदम ये संदेश रहता है, देश का खुशहाली रहे, सर्व जी गरीब गांव किसान सब खुशहाल जी जी रहे हैं, जी 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 पर वो भी खुद अस्वस्थ है से कुछ कह नहीं सकते। दिनचर्या यही है कि 92 साल की उम्र उनकी हो गई है, और जी जी 92 साल में आदमी जैसे रह सकता है वैसे जी जी है। लोग पूछते हैं कि अटल जी बीमार है क्या, तो जी मैं जी उनको कहता हूँ नहीं, वो बीमार नहीं है, अस्वस्थ नहीं है वो, जी न वो स्वस्थ है न वो अस्वस्थ है, जी वृद्धावस्था की बीमारी से ग्रस्त है। ठीक जी 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 सुबह से, मतलब है, आप ओके। जब हाँ जाते हैं, आप इतने सालों से अटल जी के साथ हैं शिव कुमार जी, तो हाँ उनको हाँ पहले और अब हाँ में क्या कुछ अंतर देख रहे हैं आप? बहुत नजदीक से आप देखते हैं। अभी नहीं, बहुत बहुत अंतर है। जब बीमारी बीमार है, इससे बड़ा और अंतर क्या हो सकता है। जी पहले चलते थे, दौड़ते थे, फिरते थे, सारे देश में दौरे करते थे, अब कंफाइंड है, घर में ही है और कहीं जाते आते हैं, ये है। जी। तो देश को आप यही संदेश देना चाहते हैं, देश में खुशहाली आए, यही आज मतलब उनका संदेश है। और क्या, खुशहाली रहे, शांति बनी रहे, बस और क्या। जी। लखनऊ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, यहाँ से सांसद रहे? जी लखनऊ वासियों को एक संदेश है कि उत्तर प्रदेश में जिताए भाजपा को। जी जी क्या कभी कुछ बोल चाल करते, बातचीत भी कर पाते हैं अटल जी आए, मतलब आपसे? नहीं, कम बोलते हैं, बोलते नहीं है। जी। अब मतलब अखबार पढ़ना जो उनके अंदर शैली थी, वो पेपर वगैरह भी नहीं पढ़ते? पढ़ते, नहीं अखबार नहीं पढ़ते, वो टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं, टीवी में समाचार हाँ देखते हैं, हाँ टीवी में सब देख लेते हैं, पर बोलते कुछ नहीं है वो। इशारे से कुछ आपसे बोलते हो? नहीं, इशारे इशारे कुछ नहीं, वो तो पहले भी कम बोलते थे, अब भी कम बोलते हैं, और अब तो बीमार है इसलिए कम बोलते हैं। टीवी देखते रहते हैं, एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम जो आते हैं वो देखते हैं। जी हाँ मैंने बताया ना आपको नवीन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 92 साल की उम्र के आदमी की तबीयत जो खराब है, जी जी उसमें वो क्या क्या कर सकता है, वो ही करता है। सुबह जी 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 उठते हैं, एक्सरसाइज करना, डॉक्टर आते हैं, 4-5 डॉक्टर लगे हुए हैं, फिर जी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, ऊपर ब्रेकफास्ट में दलिया वगैरह पतली चीज खाते हैं, कोई ठोस ठोस पदार्थ नहीं खाते। खाने खाने में क्या खाते हैं, मतलब ना? में दलिया है, दूध है, ब्रेड है, जी। ये जुलूस परिवार के, है। हाँ परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं आज भी? आते रहते हैं, कौन कौन आता है तो शिव कुमार जी? आडवाणी जी आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, और कई नेता आते हैं। आज आज जन्मदिन है उनका, तो आज क्या जन्मदिन है, मोदी आज जी भी आएंगे? आज डॉक्टर, कौन कौन आ रहा है? आज डॉक्टर मनमोहन सिंह आएंगे मिलने के लिए, आप सब आते हैं, जी आडवाणी जी आएंगे, रविशंकर आएंगे, जो जो मिनिस्टर क्या होता है वो सब मिलने आता है आज के दिन। मोदी जी भी मध्य आएंगे, प्रदेश के मोदी जी का मुख्यमंत्री भी, आएंगे, मोदी जी का भी कार्यक्रम है मिलने का आज? अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ है, होगा तो बता देंगे आप। शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? हाँ जी आ रहे हैं, जी। रमन सिंह आएंगे, शिवराज सिंह चौहान आएंगे, वसुंधरा जी आएंगे, ये सब तो आते हैं जन्मदिन के दिन। क्या अटल जी इन लोगों को पहचानते हैं कि इशारे से उनको क्या आशीर्वाद देते हैं, इन बड़े नेताओं को, बड़े चेहरे हैं बीजेपी के? नहीं ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई आशीर्वाद है, नमस्कार नमस्कार वो करके चले जाते हैं, बस इतना था। अच्छा बस ठीक है शिवपा जी, बहुत बहुत आपको भी बधाई अटल जी के नमस्कार आज जन्मदिन पर। नमस्कार, आपने बहुत बहुत ई धन्यवाद, टीवी प्रदेश 18 से खास बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद शिवपा जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।